पीपल्स विक्ट्री, यही कहूँगा मैं। और जो लोग जम्मू कश्मीर और लद्दाख को डिवाइड करना चाहते हैं उनके मुंह पे तमाचा। कारगिल की विक्ट्री एक मैसेज और भी है, ये एलजी साहब के लिए मैसेज है जिन्होंने अपना इंटरनल सर्वे करवाया था और जो कह रहे थे कि इलेक्शन चाहते ही नहीं है लोग, वो इंटरनल सर्वे मुझे लगता है वो कमरे में बैठ के उनके ऑफिसर्स चंद नहीं कर दिया था, तो उस सर्वे का भी ये जवाब है। जम्मू में भी जे एंड के नेशनल कॉन्फ्रेंस इतनी स्ट्रांग है कि वो बीजेपी को धूल चटा सकती है। इससे एक डर और बैठ जाएगा इनके दिल में कि 2024 तक अब हम कोई इलेक्शन करवाएंगे। हंसने के अलावा क्या कह सकते क्या कह सकते हैं हंसने के अलावा? फिर हम भी ये कहते हैं पिछली बार हमने 10 ली थी, इस बार हमने 14 ले, ये कोई बात नहीं है। संदीप सिंह वजीर, जोन प्रेसिडेंट, यूथ नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीपल्स विक्ट्री, यही कहूँगा मैं। और जो लोग जम्मू कश्मीर और लद्दाख को डिवाइड करना चाहते हैं उनके मुँह पर तमाचा, इस तरीके से देखता हूँ मैं। और कारगिल की विक्ट्री एक मैसेज और भी है, ये एलजी साहब के लिए मैसेज है जिन्होंने अपना इंटरनल सर्वे करवाया था और जो कह रहे थे कि इलेक्शन चाहते ही नहीं है लोग, वो इंटरनल सर्वे मुझे लगता है वो कमरे में बैठ के उनके ऑफिसर्स चंद नहीं कर दिया था, तो उस सर्वे का भी ये जवाब है कि लोग इलेक्शन चाहते हैं कि नहीं। बेसिकली लोग इलेक्शन चाहते हैं, बीजेपी इलेक्शन नहीं चाहती है, क्योंकि दे नो कि व्हेन इट कम्स टू द पीपल्स वॉइस उनका क्या हशर होने वाला है। करगिल और लद्दाख के जो रिजल्ट्स आए हैं, ये रिजल्ट्स कठुए तक परकुलेट करेंगे। और जम्मू कश्मीर में तो हमें कोई डाउट नहीं है कि विल विन हैंड्स डाउन, बट जम्मू में भी जे एंड के नेशनल कॉन्फ्रेंस इतनी स्ट्रांग है कि वो बीजेपी को धूल चटा सकती है। उसका एग्जाम्पल है कि इनको ये बात मालूम थी, इसकी वजह से इन्होंने लोकल बॉडीज इलेक्शंस भी जो हैं वो कैंसिल कर दिए, पोस्टपोन कर दिए, कैंसिल नहीं कहूँगा मैं, पोस्टपोन कर दिए। और ये मुझे लगता है कि और इस रिजल्ट से एक डर और बैठ जाएगा इनके दिल में कि 2024 तक अब हम कोई इलेक्शन करवाएंगे ही नहीं। देखिए कहने को क्या है, कहने को आप 90 बार भी कह सकते हैं, दीज आर ऑल वर्ड्स। बेसिकली बोलने में क्या होता है, बोलने में कोई भी आदमी कोई भी दावा कर सकता है, लेकिन ये तो रिजल्ट्स ही दिखाते हैं ना। अब कारगिल में मुझे नहीं मालूम कि उन्होंने क्या दावा किया था कि हम क्या करेंगे, लेकिन आ गए एक या दो पे। तो कहने को वो हर बार यही करते हैं, बेसिकली वो एक साइकोलॉजिकल गेम खेलते हैं। अब हंसने के अलावा क्या कह सकते हैं हंसने के अलावा? फिर हम भी ये कहते हैं पिछली बार हमने 10 ली थी, इस बार हमने 14 ले, ये कोई बात नहीं है। मतलब आज इतनी देर हो गई है जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग किए हुए, और लद्दाख आपने यही कह के अलग किया था कि लद्दाख हमारे साथ रहना ही नहीं चाहता है, और आपने तो पूरी साजिश की कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का सिंबल तक ना मिले, वहाँ पे पार्टी रहे ना। वो तो हम थैंक्स करते हैं सुप्रीम कोर्ट का जिन्होंने हमें सिंबल भी दिया और हमें लड़ने की इजाज़त भी दी, नेशनल एज ए नेशनल कॉन्फ्रेंस के तौर पर लड़ने की इजाज़त दी, तो मैं तो थैंक्स करता हूँ सुप्रीम कोर्ट का। और वो डिसीजन तो आ गए, अब इसके बाद भी कुछ कहना सुनना तो बाकी रह नहीं गया ना। अब कहना सुनना जो है वो इस इलेक्शन जो यहाँ पे इलेक्शन आने वाले हैं उनमें कहना सुनना है। तो वो कहते रहे, वो अपना टारगेट जितना मर्जी सेट करते रहे, लेकिन टारगेट सेट रियलिस्टिक होना चाहिए। मैं उनको ये कहना चाहूँगा कि सिर्फ दीज शुड बी नॉट ओनली वर्ड्स, एक रियलिस्टिक टारगेट सेट करें। हाँ, अगर 10 का टारगेट सेट करते हैं तो मैं कहूँगा शायद वो रियलिस्टिक होगा, लेकिन 50 मेरे को लगता है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा ही कर दिया मेरे ख्याल से। हम नहीं उसको वापस ला सकते हैं, ये नॉट इन अवर हैंड्स। जैसे हमारे लीडरशिप ने भी बोला है, उमर साहब कितना इंटरेस्ट ले रहे हैं, पूरी नेशनल कॉन्फ्रेंस इंटरेस्ट ले रही है, हर हियरिंग पे वहाँ गए होते हैं, हमारे एडवोकेट्स उनके लिए फाइट कर रहे हैं नेशनल लेवल पे, हम भी उनको फॉलो कर रहे हैं, जब भी कोई अपडेट आती है या जितनी भी हियरिंग थी हमने सारी सुनी है। कुछ चीज़ें तो ऐसी थी जो कार्ड हम आम लोगों को नहीं पता थी, इस केस के होने के बाद लोगों को पता चल गई हैं कि हम कितनी डिसएडवांटेज पे हैं आज, जो इन्होंने जिस तरीके से इलीगली यहाँ 370 रिमूव किया है। तो मुझे सुप्रीम कोर्ट पे भी पूरा भरोसा है, नेशनल कॉन्फ्रेंस को भरोसा है, हमें लगता है कि कोर्ट के थ्रू ये ज़रूर हल होगा और हमें हमारा 370 ज़रूर वापस। ये अलायंस इंडिया हो चुका है, ये अलायंस अब कोई छोटा मोटे लेवल पे नहीं रह गया, ये ऑल ओवर इंडिया, अब ये इस अलायंस का नाम ही इंडिया हो गया हुआ है। तो मेरे और ये डरने की वजह भी है भाजपा के लिए, जिस हिसाब से भाजपा रेटल्ड है सिर्फ नाम को लेके ही, उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आने वाले वक्त में उनको अपनी ज़मीन उखड़ती हुई दिख रही है, बल्कि दे नो कि दे आर गोइंग टू लूज़। तो मुझे लगता है कि अब कल हमने इस पे 10 तारीख को एक जॉइंट अपोजिशन धरना भी रखा हुआ है, आप देखेंगे कितनी तादाद में लोग आते हैं वहाँ पे, ये नीचे ही है हरी सिंह पार्क के बाद। तो मुझे लगता है कि ये एक मैसेज इज़ लाउड एंड क्लियर, स्टार्टेड फ्रॉम लद्दाख, इट विल गो डाउन टू कठुआ एंड केरला एज वेल इन 2024।